गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सीरीज़ के अंदर हम जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इस हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया और आने वाले हफ्तों के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ना इस हफ्ते बहुत ज़्यादा कुछ खास एक्शन देखने को मिला नहीं। बैंक निफ्टी में तो फिर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला है, लेकिन निफ्टी के अंदर जैसी उम्मीद थी बुलिश प्रेशर आने की, वैसा बुलिश प्रेशर आया नहीं इस हफ्ते में। निफ्टी मोस्टली साइडवेज रहा पूरे हफ्ते, और इवन जो वीकली क्लोज था वो भी काफ़ी वीकर क्लोज निफ्टी का हमें देखने को मिला। इस हफ्ते का जो की इवेंट था वो आरबीआई की पॉलिसी थी, और आरबीआई की पॉलिसी में भी कुछ नयापन नहीं दिखा, वही सब पुरानी बातें थी। नंबर्स कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुए, सब नंबर भी पुराने थे। तो आरबीआई की पॉलिसी भी फेल हो गई इस हफ्ते कोई बुलिश मोमेंटम जनरेट करने में। तो चलिए इसको निफ्टी और बैंक निफ्टी को और डीपर एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर आने वाले हफ्ते में क्या एक्शन रहेगा। पिछले हफ्ते का जो एक्शन है वो आने वाले हफ्ते को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। चलिए पहले मैं आपके लिए निफ्टी का प्राइस चार्ट खोलता हूँ, फिर देखते हैं कि निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म किया है इस हफ्ते। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है आपके सामने। देखिए, हमने जैसे पहले ही बोला कि निफ्टी के अंदर इस वीक में बाइंग प्रेशर देखने को नहीं मिला है, बहुत वीक मोमेंटम दिख रहा है। अगर आप ये वाला कैंडल देखेंगे तो इस वाले हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट्स इनडिसिसिव कैंडल है। यहाँ पे उम्मीद थी ये जो 22,500 का अपर लेवल है ट्रेडिंग रेंज का, निफ्टी अभी भी ट्रेडिंग रेंज के अंदर है। अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी अभी ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही है, और 22,500 के आसपास उम्मीद था कि अगर आरबीआई पॉलिसी में कोई सरप्राइजेज नहीं दिखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट हो और जो टारगेट है निफ्टी का, निफ्टी उस तरफ जाने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी में कुछ भी नयापन नहीं दिखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी निफ्टी की जो पोजीशन है थोड़ी सी वीक हो गई है, ना तो आरबीआई पॉलिसी ने ना किसी और फैक्टर ने निफ्टी में अभी बुलिश मोमेंटम जनरेट नहीं किया। सो यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या ये 22,500 के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर हम इसका मंथली एनालिसिस करें तो हमें दिखता है कि मंथली बेसिस पे पिछले 3 महीने से बुलिश मोमेंटम बहुत स्लो हो गया। ये अगर हम देखें जो पिछले 3 महीने हैं, ये हमारा अप्रैल का मंथ चल रहा है, जनवरी मंथ में भी हमारे को इंडिसिसिव क्लोज मिला, फरवरी मंथ में भी हमारे को इंडिसिसिव क्लोज मिला, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं मिला था। अप्रैल ये मार्च मंथ में भी हमारे को काफ़ी इंडिसिसिव क्लोज मिला है, और अप्रैल में भी कोई मोमेंटम जनरेट होने की आशंका दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है कि निफ्टी में थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम जनरेट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। आगे देखेंगे जब हम लेवल्स की बात करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से लेवल इस बार प्ले करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या उठापटक चल रही है। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में पिछले हफ्ते बहुत स्ट्रांग क्लोज मिला और यहाँ पे बुलिश मोमेंटम भी हमारे को देखने को मिला, और जो हमारा ट्रेडिंग रेंज था बैंक निफ्टी का, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेडिंग रेंज था, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, उसमें हमने एक लेवल की बात करी थी जो था 48,200 का जो लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज देता है तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम के कंटिन्यू रहने की उम्मीद थी। तो पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने 48,200 के ऊपर ही हमारे को क्लोज दिया है, और एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है पिछले हफ्ते। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बाइंग प्रेशर की, और अगर बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है बैंक निफ्टी में तो यहाँ से ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। अब बैंक निफ्टी में ऐसा क्यों है और निफ्टी में ऐसा क्यों नहीं है बुलिश मोमेंटम, मैं उसका सिंपल रीज़न बताता हूँ। देखिए, आरबीआई ने अभी रेट इंटरेस्ट सेम रखे हैं, तो बैंकों के पास थोड़ा सा और टाइम मिल गया है उनको हायर रेट इंटरेस्ट पे पैसा कमाने का। तो जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं जाते तब तक उनकी जो रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट है एटलीस्ट उसका मोमेंटम बना रहेगा। तो यहाँ पर बैंकिंग कंपनीज़ के लिए और NBFCs के लिए ये एक फ़ायदे का सौदा है। रेवेन्यू लाइन अभी मेंटेन रहेंगी, उस रेवेन्यू में आपको डिप देखने को नहीं मिलेगा इंटरेस्ट के कारण। तो ये एक कारण है जहाँ पे बैंकिंग कंपनियाँ थोड़ी सी चेयरफुल हैं। अब ओवरऑल पोजीशन की अगर हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है और क्या लेवल हम देखेंगे,
तो बहुत सिंपल सी बात है कि निफ्टी के अंदर जैसे हम बोलते हैं कि 1/3 पार्ट है बैंक निफ्टी का, तो हो सकता है कि अगर निफ्टी में ओवरऑल मोमेंटम जनरेट नहीं होता बाइंग प्रेशर का, तो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं हो सकता है कि वो निफ्टी को संभालने में थोड़ा सा हेल्प करे। वो कब पॉसिबल होगा कि बैंक निफ्टी में बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ पे रैली आती है, तो डेफिनेटली निफ्टी के अंदर भी उस रैली का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि निफ्टी में भी आपको बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिले। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि बैंक निफ्टी को 48,200 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ से अगर ऊपर ट्रेड करता है, यहाँ से बुलिश मोमेंटम आता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी बुलिश, और वो इम्पैक्ट कर सकती है निफ्टी में। निफ्टी में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर ओवरऑल बैंक निफ्टी का मोमेंटम निफ्टी को इम्पैक्ट करता है और वो बाकी जो काउंटर्स हैं मींस अदर देन बैंकिंग के जो कंपनीज हैं निफ्टी के अंदर, अगर उनको भी इम्पैक्ट करता है, तो निफ्टी में भी बुलिश प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी का जो बाइंग प्रेशर है वो निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर ही दिखता है, लेकिन जो बाकी कंपनीज हैं अदर देन बैंकिंग निफ्टी के अंदर, वहाँ पे अगर नहीं दिखता, जो कि 3/4 पार्ट है निफ्टी का, तो हो सकता है निफ्टी आने वाले टाइम में साइडवेज रहे। अगर साइडवेज रहता है निफ्टी, तो हमें 21,800 का लेवल हम देख सकते हैं कि निफ्टी में जो करेक्शन है या साइडवेज मूवमेंट है वो 21,800 तक या 21,800 के ऊपर रह सकती हैं। और अगर इन केस 21,800 का लेवल ब्रेक हुआ, देन बैंक निफ्टी एक डीपर करेक्शन के अंदर जा सकता है और वो अपनी मंथली करेक्शन को देखेगा, जिस केस के अंदर 20,500 का और 20,500 से लेकर 20,200 का जो लेवल है वहाँ तक करेक्शन, एक डीपर करेक्शन आ सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम है। तो अभी अगर नेटशेल में बोले अगले हफ्ते का केस क्या रहेगा, अगले हफ्ते में बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होने वाला है निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी में, तो बुलिश रैली कंटिन्यू रह सकती है, जिस केस के अंदर जो निफ्टी है वो 23,190 और 23,200 के लेवल का टारगेट की तरफ बढ़ेगा, और जो बैंक निफ्टी है वो 50,000 से लेकर 50,100 के टारगेट के आसपास बढ़ेगा। तो एज ऑफ नाउ नेक्स्ट वीक का ये प्रॉबिलिटी है। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, एंड गिव इट अ लाइक। थैंक यू सो मच।